सर अगले साल ईद पे टाइगर 3 आने वाली, कितना एक्साइटेड? काफी एक्साइटेड और फाइनली टाइगर 3 का, जैसा कि मैंने काफी पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि टाइगर 3 का ग्लिम्स हमें देखने को मिलेगा 15 अगस्त को। और फाइनली देखिए, मेरी बात से मैंने पहले बता दिया था, मुझे काफी इनसाइडर खबरें मिल जाती हैं, मैंने पहले बता दिया था 15 से 20 दिन पहले, और फाइनली आ ही गया। जबकि आप कहीं भी ऑफिशियल या अदर को सुनने को नहीं मिलेगा, और अगर आपने सुना भी होगा एज अ टाइगर फैंस, हम लोग सलमान भाई के फैंस हैं, तो सब जगह ट्विटर पर भी, सब जगह फेसबुक इंस्टा पे सब एक्टिव होंगे। ये सारी खबर है सिर्फ आपको कल से सुनने को मिल रही होंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा परसों से कि 15 को आने वाला है। मैंने 15 से 20 दिन पहले कह दिया था, क्योंकि मुझे मालूम है सारी खबरें मुझे मिल जाती हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि देखिए, ये फिल्म बहुत बढ़िया होने वाली है और सभी कुछ शानदार हो रहा है इस फिल्म में, बढ़िया लग रहा है जिस तरह से मार्केटिंग हो रही है। मैंने हमेशा कहा कि यशराज बैनर को मार्केटिंग करना नहीं आती है, उसकी 300-400 करोड़ की फिल्में इसलिए फ्लॉप होती है बुरी तरह, पृथ्वीराज शमशेरा सब देख लिए आप लोगों ने, ये फिल्म फ्लॉप होती है। क्यों? क्योंकि इसको मार्केटिंग करना नहीं आती। इसलिए मैंने कहा था कि सलमान भाई इस फिल्म में है, सलमान भाई सलमान खान फिल्म्स SKF खुद शामिल है, सलमान भाई अपने लेवल पर प्रमोशन करेंगे। देखिए, यशराज ने अभी तक भी डाला नहीं, उसको सूद ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है उसको, ठीक है। तो आप देखिए, सलमान खान ने खुद डाल दिया इंस्टाग्राम पे, तो सलमान खान फिल्म शामिल है, मार्केटिंग अच्छे लेवल पे होगी, हो रही है, एक के बाद एक आप देख रहे हैं फिल्म को कितना टाइम है, लेकिन अभी से उन्होंने ग्लिम्स दे दिया। तो इस तरह से काम हो रहा है मार्केटिंग पे, टाइगर 3 फिल्म बहुत बढ़िया कमाई करेगी, फिल्म की मार्केटिंग अच्छी हो रही है, सभी कुछ अच्छा रहा है, बस बन रहा है। ये बायकॉट वाले सब साइड में होने वाले, किसी को औकात नहीं, बायकॉट वाले सब जो थे ये लाल सिंह चड्ढा और ऐसी फिल्म ही फ्लॉप करवा सकते हैं, कर सकते हैं। आमिर खान की फिल्म उतनी अच्छी थी भी नहीं, और आमिर खान इनका कोई स्टारडम है नहीं, वैसे भी सलमान खान क्या है, कंपैरिजन कोई मतलब नहीं है, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ। लेकिन सलमान खान की फिल्म जबरदस्त धमाल मचाएगी, और मैं लोगों से भी कहूँगा कि जुड़े रहिए चैनल से भी, सारी चीज़ें करिए। क्या होगा कि हमें जो है टाइगर 3 को हिट कराना है और सारी चीज़ें करना है। मैं टाइगर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है फिल्म बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिल्म को ईद 2023 पे देखने के लिए, फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनते हुए।